पेपर लीक हुआ जो उसी सेंटर के छात्रों के पास पहुंचा था, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त इस बड़ी खबर पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में हाल ही में ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के पदों पर हुई भर्ती, पटवारी भर्ती में बड़े घोटाले का आरोप पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने लगाया है। आकाश द्विवेदी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, एक कॉलेज अगर टीचर्स बहुत अच्छे हो तो बच्चों का सिलेक्शन होना समझ में आता है, लेकिन अलग अलग छात्र जब एक एग्जाम सेंटर में इकट्ठे हो और 9000 छात्रों में से 1000 छात्र उसी एग्जाम सेंटर के छात्र हो तो फिर सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठ भी रहे हैं आसिफ, क्योंकि ये कॉलेज किसी बीजेपी के नेता से नेता का बताया जा रहा है। ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज है और इस कॉलेज के जो टॉपर्स हैं 10 में से 7 टॉपर इसी कॉलेज चिस्मार के हैं, ये संदेह को और गहरा कर रहा है। इसी आधार पर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। प्रदेश भर में 9000 बच्चे और 1000 बच्चे सिर्फ एनआरआई कॉलेज से ही चयनित हो जाते हैं, ये भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके पहले मध्यप्रदेश के माथे से अभी व्यापम का दाग मिटा नहीं है, लेकिन लगातार जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है उससे और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 इसमें पटवारी इसके अलावा और परीक्षाएं हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए, और इस में जिन छात्रों का सेंटर गया है उनकी अगर आप मार्कशीट देखेंगे तो सबकी जो साइन है वो हिंदी भाषा में की गई है, और सभी 10 टॉपर में से 7 टॉपर इसी कॉलेज के पाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था यहां पर, ऐसा क्या हुआ कि सब यहीं से टॉप कर गए, ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस ने कहा है कि व्यापम का नाम बदल देने से दाग नहीं मिटने वाला है, इस मामले की भी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि इस मामले में भी घोटाला हुआ है। और आरोप तब और संगीन हो जाते हैं जब कॉलेज किसी बीजेपी नेता का बताया जा रहा हो, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है और अलग अलग अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी निकाले गए हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर कई सवाल सरकार से पूछे। अगर क्या संभावनाएं नजर आती हैं, पर्चा लीक हुआ था और वो सिर्फ उसी कॉलेज के अभ्यर्थियों तक पहुंचा, उस कॉलेज में जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उनको खुलकर नकल कराई गई या नकल करने की छूट दी गई या कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है? प्रथम दृष्टया यही दो कारण समझ में आते हैं आसिफ, या तो पेपर लीक हुआ जो इन्हीं अभ्यर्थियों तक पहुंचा, या फिर अन्य परिस्थितियों में किसी न किसी तरीके से जो बच्चे उस कॉलेज में एग्जाम देने पहुंचे थे उनका कॉलेज प्रबंधन ने साथ दिया, अगर ये आरोप जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लगा रहे हैं वो सही है तो। हालांकि ये तमाम बातें जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। अब ये मांग की गई है तो देखना होगा कि शिवराज सरकार कब तक इस पूरे मामले में। लौट रहा हूं आकाश आपके पास, इस वक्त कांग्रेस संचार प्रमुख केके मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। केके मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल सीधा आपसे है और सवाल यही, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कॉलेज जो एग्जाम सेंटर बना वहां शामिल हुए 1000 बच्चे सिलेक्ट हो गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की परीक्षाओं में, क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं सर? आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं जी, और मध्य प्रदेश में आपको जितनी आशंकाएं हैं जो अरुण यादव जी ने कहा वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं है, आप जिस पर भी आशंका व्यक्त करेंगे तो सही पाई जाएगी, यहां सब कुछ हो सकता है जी। मिस्टर सर, एक सवाल आपसे और भी, अब क्या करेगी कांग्रेस, सबूत जुटाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है आगे? हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश, मेरे सहयोगी भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। और यहाँ छोटे से ब्रेक रुकना होगा, बहुत जल्द आप।